एमफिल पीएचडी के एडमिशन आ गए हैं कराची यूनिवर्सिटी में एएससी एरिया स्टडी सेंटर फॉर यूरोप के, और मास्टर इन सोशल साइंसेज सेकंड डिवीजन हो तो आप एमफिल के लिए, और अगर आपका 3 GPA हो एमफिल में या एमएस में तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट सेंटर है, मैंने खुद भी यहाँ से पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन कराची एंड इन पाकिस्तान नो डाउट। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड है यहाँ का एजुकेशन का, और एमफिल पीएचडी करने में यहाँ से बहुत अच्छे मौके हैं। आप डिफरेंट एनजीओस वगैरह में जा सकते हैं, बड़े अच्छे लैंग्वेजेस प्रोग्राम भी होते हैं हमारे सेंटर में, और बहुत ज़बरदस्त यहाँ की अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए ज़्यादातर जो ये टेस्ट आएगा यूरोप बेस्ड आएगा। आप में से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो मेरी जनरल नॉलेज की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें भी देख लीजिएगा, और मैंने कुछ वीडियो यूरोप की अलग से भी डाली, क्योंकि यूरोप पे ज़्यादा था इसलिए यूरोप के मैं कुछ अलग से वीडियो डाल दूंगा, जो कि आप अमीन एजुकेशन लिख के यूरोप लिख दीजिएगा आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोशिश करूँगा उनका लिंक्स भी डाल दूँ, बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ये अगर आप कर लेंगे। और बाकी आप कौन से एडमिशन आएंगे एमफिल पीएचडी के, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के, जिसका टेस्ट होता है अप्लाइड इकोनॉमिक्स के टेस्ट की भी हम लोग तैयारी कराते हैं, और ये एरिया स्टडी सेंटर के भी टेस्ट की तैयारी करा रहे हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स के टेस्ट में इकोनॉमिक्स और मैथ्स वगैरह आती है, इंटीग्रेशन खासकर बहुत आती है, इंटीग्रेशन की भी प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट है, इसकी तैयारी भी मैं करवाता हूँ, जो आना चाहें आ सकते हैं वो लोग, और काफ़ी वर्थ है इसकी भी। बाकी एमफिल पीएचडी के एडमिशन मई में आएंगे, जब आएंगे तो बता देंगे यार, टेंशन मत लो। वीडियो शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ आगे भला हो जाए, लोग हमारा मकसद भी है और आप भी देखिए मैं शेयर कर लो, अल्लाह ताला जन्नत का दर्जा बढ़ा देगा। थैंक्स।